नमस्कार, मैं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्र। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को चलाना आसान नहीं है। इसे चलाने के लिए देश के प्रधान सेवक को ऐसी कैबिनेट की जरूरत होती है जो कि देश की हर चुनौती से निपटने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे सके। मोदी सरकार 3.0 ने भी अपने ऐसे ही कैबिनेट मंत्री चुन लिए हैं जो अपने अनुभवों, ऊर्जा और क्रिएटिविटी से अलग अलग विभागों का जिम्मा संभाल कर देश को आगे बढ़ाने में क्रेडिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्रधानमंत्री के सपनों के भारत के निर्माण में उनके सहयोगी बनेंगे। इन्हीं में से एक है युवा, ऊर्जावान और अपने पिता की राजनीतिक विरासत को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने वाले चिराग पासवान। एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। नरेंद्र मोदी के साथ हाजीपुर से सांसद और लोजपा आर यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट यानी कि खाद्य प्रसंस्करण विभाग के केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। चिराग पासवान पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी बड़ी जीत हासिल की। चिराग पासवान ने हाजीपुर लोकसभा सीट से 1.70 लाख वोटों से जीत हासिल की है, यानी 1,70,000 वोटों से जीत हासिल की है। पीएम मोदी कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले चिराग सक्रिय राजनीति में आने से पहले बॉलीवुड में जाने माने अभिनेता रह चुके हैं। फिल्मी दुनिया से करियर की शुरुआत करने वाले चिराग पासवान अब अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को बखूबी संभाल रहे हैं। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई दिल्ली में ही की। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद चिराग फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहते थे। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनेता की भूमिका निभाई लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद चिराग पासवान ने अपने पिता के साथ राजनीति में कदम रखे और अपनी किस्मत आजमाई। राजनीति में कामयाब होने वाले चिराग पासवान ने 2011 में बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत के साथ डेब्यू किया था। दोनों ने फिल्म मिले ना मिले हम में एक साथ काम किया। तनवीर खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में दोनों लीड रोल में थे। हालांकि इस फिल्म को दर्शकों ने ज्यादा पसंद नहीं किया तो वहीं मिले ना मिले हम कहकर एक बार फिर बॉलीवुड में तो नहीं पर संसद में वह जरूर मिल गए। चिराग पासवान ने अपनी पहली फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद सबसे पहले 2014 में जमुई लोकसभा सीट से लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और वर्ष 2014 में चिराग पासवान ने जमुई सीट से सुधांशु शेखर भास्कर को 85,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। इसके बाद 2019 में भी जमुई सीट पर उन्होंने अपना कब्जा कायम रखा। 2019 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान का निधन हो गया। उनके निधन के बाद चिराग पासवान का अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से राजनीतिक मतभेद उत्पन्न हुआ और पशुपति कुमार पारस ने 14 जून 2021 को चिराग पासवान की जगह खुद को लोकसभा में नेता के रूप में घोषित कर दिया, जिसके बाद चिराग पासवान ने अपने चाचा सहित 5 बागी सांसदों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित कर दिया। चिराग पासवान की राजनीतिक हैसियत का अंदाजा तो इस बात से भी लगाया जा सकता है कि देश के सबसे बड़े नेता पीएम मोदी ने स्वयं अपने भाषण में उन्हें अपने बेटे के समान बताते हुए कहा कि वह चिराग पासवान की मेहनत और लोकसभा में उनके सीखने की ललक से बहुत प्रभावित हैं और वह चिराग को भविष्य में बिहार और देश के एक सफल समर्पित सेवाभावी राजनेता के रूप में देखते हैं। मैंने एक बार हमारी कैबिनेट में कही थी, शायद चिराग को भी पता नहीं होगा, रामविलास जी कैबिनेट में थे। मैंने कहा कि मैं देखता हूं कि चिराग जब पार्लियामेंट चलती है वो पूरे दिन सदन में बैठता है। सॉरी, मैं जरा तूतारी कर देता हूं कि मैंने उसको बेटे की तरह देखा है, वरना वो हमारे माननीय सांसद है। एक सांसद के रूप में चिराग
सफल सांसद है। तो ये थे मोदी कैबिनेट के रत्नों में से एक चिराग पासवान। पॉलिटिक्स से जुड़ी वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेत्रा।